नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज हमारी चुनावी यात्रा जो है वो कानपुर शहर में पहुंच चुकी है। और कानपुर शहर में आपको बता दें कि इस समय जो है हम मौजूद है बनारसी टी स्टॉल, काफ़ी फेमस है, 80 फुटा रोड पर ये मौजूद है और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग आते हैं, हमें ये बताया गया है। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि कानपुर शहर का मिजाज क्या है। तो आप ये दुकान चलाते हैं, आप ही की दुकान है ये? कब से चला रहे हैं? 50 साल से ऊपर हो गए। 50 साल से ऊपर हो गए तो लोग क्यों आते हैं? क्या फेमस है आपकी चाय में? सर, चाय फेमस है क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी फेमस है, शुद्धता, शुद्धता के लिए आग जाना जाता है। चाय की जो क्वांटिटी है वो भी हम देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा है, और जो चाय है उससे भी ज़्यादा है। कानपुर वाले इतनी चाय पीते हैं, इसका है कि यहाँ चाय पीने का इधर। हाँ, यहाँ तो चाय इतनी ही चलती है, कानपुर में चाय के लिए तो जाना जाता है कानपुर। और जो अनमूनन जो शहर देखते हैं उससे जो है कटिंग चाय या छोटी चाय चलती है? यहाँ यही चाय चलती है। पहले कौन चलाते थे दुकान? पर बाबा हमारे चलाते थे सबसे पहले। अच्छा, तो आप कानपुर में क्या मिजाज देख रहे हैं शहर के लोगों का? चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए क्या माहौल देख रहे हैं? दोनों पार्टियाँ अपना अपना दाव चल रही हैं, दोनों ही मजबूत दावा पेश कर रही हैं, बाकी ऊपर वाला जाने। आपको किस किस का मुकाबला लग रहा है? नहीं, आपकी भाजपा, आपकी चारों पार्टियाँ स्ट्रांग हैं तो चारों पार्टियाँ अपना दावा पेश करें। दो पार्टी को जिक्र किया। हाँ, मेन तो चल रहा है भाजपा और कांग्रेस का चल रहा है, लेकिन चारों स्ट्रांग है, कोई कुछ कहा नहीं लगता। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बता दें कि चलिए उधर चलते हैं, कुछ लोग हैं उधर, उनसे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है श्री प्रकाश जायसवाल जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनको जो है कांग्रेस ने जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और सत्यदेव पचौरी, मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट करके बीजेपी ने सत्यदेव पचौरी को जो है यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। और रामकुमार निषाद जो है वो सपा बसपा के गठबंधन से है। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बैठिए जरा, आपसे बात करने के लिए हम आए हैं, बस 2 मिनट के लिए बैठिए। क्या नाम है आपका? प्रभात तिवारी। क्या करते हैं? रिटायर्ड हूँ। रिटायर हैं, चुनाव आ रहे हैं आपके शहर में, 29 तारीख को वोटिंग है। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल मतलब कैसा, क्या किसका क्या रुझान देख रहे हैं लोगों में, क्या बातचीत हो रही है अभी बैठते हैं चाय पे, क्या चल रहा है? प्रेजेंट टाइम जो एमपी था हमारा पुराज जोशी, उसके प्रति तो जो है कोई खास वो है नहीं, लोगों लगाओ इसमें जो है श्री प्रकाश जायसवाल का देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी से लोगों का लगाव नहीं रहा? आए नहीं मिले नहीं, लेकिन काम हुआ कि नहीं? कोई काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। तो अब जो है बीजेपी ने उनकी जगह सत्यदेव पचौरी को यहाँ पर मैदान में उतारा है। गोविंदपुर विधानसभा से जो है एमएलए हैं, विधायक हैं, 2004 में उनके खिलाफ लड़ भी चुके हैं, जयप्रकाश हार चुके हैं 5000 वोटों से। फिर आ रहेंगे? अच्छा, फिर आ रहेंगे, उनका कोई वो नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? शशिकांत मिश्रा। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ, बैंक से रिटायर हूँ। तो आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा सरकार के कार्यकाल को और अब दोबारा चुनाव? सरकार का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा है, काम कम हुआ है, बातें ज़्यादा हुई हैं, और वैसे ही सांसद गायब थे यहाँ से, और उनके चुने जाने के वक्त में भी हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि ये 5 साल तक चेहरा नहीं दिखाएंगे, ना उन्होंने चेहरा दिखाया, और उसके बदले में भाजपा ने जो भी कैंडिडेट खड़ा किया है उसकी भी हवा अच्छी नहीं है। यहाँ पे श्री प्रकाश जायसवाल ही जीत रहे हैं, भाजपा सिर्फ लफाजी करती रही, कांग्रेस को गाली देती रही, और वो जीत ना पाएंगे यहाँ से। आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो है वो उसके काम से जो लोग खुश नहीं है इसलिए वो भाजपा पीछे रहेगी, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि कैंडिडेट के नाम पर नहीं, इस बार मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेंगे। तो मोदी जी के नाम पे किस बात पे मोदी जी वोट मांग रहे हैं? मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे, नौजवानों को दे दी। भाई छात्र लोग जाने, नौकरी नौजवान जाने कि उसको नौकरी मिल गई। 15-15 लाख उन्होंने कहीं घोषणा पत्र में नहीं कहा था, मगर एक चुनावी भाषण में कहा था कि 15-15 लाख तो ऐसे ही खाते में आ जाएंगे। लोगों को सब जवाब दिखाया था, दे दिया, या काला धन वापस ले आए। काला धन का बहुत जोर शोर से ये लोग सरकारी काले धन पे आई थी, बाबा रामदेव, श्री श्री, ये सारे के सारे बाबे जो है सब मिल के जो है पूरा जो मौसम वैज्ञानिक फेल है बाबा राम, हाँ तो पूरा माहौल बनाया था। काला धन ला पाए लोग? काला धन कोई नहीं ला पाए। इवन इनके पास जो लिस्ट है काले धन वालों की उसको नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हो? डर, अब काय बात का डर पड़ा? बात आपको मालूम होना चाहिए था कि ये लिस्ट हम दिखा नहीं सकते।
तो ना इन्होंने लिस्ट दिखाई, कोई काम धाम किया नहीं है, सिर्फ 5 साल तक लफाजी की है, नेहरू जी को गाली दी है, सिर्फ नेहरू हर काम के लिए दोषी नेहरू जी, हर काम के लिए दोषी नेहरू जी। अरे आपने क्या किया? और इन्होंने कहा था मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा, रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, पूरा घोषणा पत्र ही बदल गया, उसका नाम ही बदल गया, संकल्प पत्र हो गया। और उसमें बोले थे जब मेरी पूरी सरकार हो जाएगी, 2004 में इन्होंने कहा था कि अभी हमारी पूरी सरकार नहीं, जब पूरी सरकार हो जाएगी यहाँ पे भी और वहाँ पे केंद्र में भी यूपी में भी, तो मंदिर बना देंगे। अब क्या हो गया? अब कहते हैं उसमें हम जो है न्यायपालिका का सम्मान करेंगे। सन 1992 में इनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ये आस्था का सवाल है। कहाँ चली गई अब आस्था? हिंदुओं की आस्था कहाँ चली गई? और पचौरी, पचौरी जी ये भारत माता की जय करते हैं, इन्होंने माता जी के यहाँ जो है दुर्गा पूजा नहीं लगने दी है। बंगालियों से पूछिए जाके आप, आर नगर स्वरूप नगर में 60-70 हजार बंगाली है, 60-70 हजार वोट इनको नहीं मिलने जा रहा है, वो बंगाली भी इनको वोट नहीं देने जा रहा है। तो ये ना धर्म के भी सिर्फ धर्म पे वोट लेना जानते हैं, धर्म अरम इनका कोई धर्म से मतलब वास्ता नहीं है, असली हिंदू हम लोग हैं, ये नकली हिंदू हैं, असली राष्ट्रभक्त हम लोग हैं, ये लोग नकली राष्ट्रभक्त। आप असली हिंदू नकली हिंदू ये जो शब्द है बनाया टर्म है, ये सब इन्हीं का बनाया टर्म है। भाजपा में आप हो तो आप असली हिंदू हो, भाजपा से बाहर वाले सारे नकली हिंदू हैं, भाजपा में जो है वो राष्ट्रभक्त है, भाजपा से बाहर जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं। इनसे सवाल पूछिए तो कह देते हैं आप देशद्रोही हो। अरे विपक्ष का काम क्या होता है? सवाल पूछना। आप देखिए 5 साल से मोदी जी सवाल पूछ रहे हैं, उल्टा राहुल गांधी से बार बार सवाल पूछा जाता है। अरे आप बताओ ना, सत्ता पक्ष जवाबदेह होता है लोकतंत्र के अंदर, ये जवाब दे नहीं रहे, जवाब ले रहे हैं, जवाब मांगते हैं, और अभी भी प्रधानमंत्री हैं और व्यवहार कर रहे हैं विपक्ष की तरीके से। नेहरू जी ने कुछ नहीं करने दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं करने दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे तो आप सत्ता पक्षों की विपक्ष, इनको यही नहीं मालूम है कि हम सत्ता पक्ष में हैं कि विपक्ष। ठीक है, आप क्या काम करते हैं? क्या नाम बताइए पहले? अनिल तिवारी। क्या करते हैं? बिजनेस। बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का बिजनेस है? बिजनेस दाल मिल, तेल मिल है। बिजनेस की जब बात करते हैं तो जीएसटी की बात होती है, तो जीएसटी को लेकर क्या आपकी क्या राय? जीएसटी को ले गया अब यार, जीएसटी ले के ना बात करो, पूरा देश तो बात कर रहा है। मेन बात मेरे मन में एक है, वो हम आपके चैनल के थ्रू कहना चाहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी वोट नहीं मांगा कि देश खतरे में है। मोदी जी को हम लोगों ने वोट दिया, 5 साल प्रधानमंत्री रहे, अब वोट मांग रहे देश खतरे में है। इस बात का मुझे बहुत कष्ट है कि 5 साल को इन्हें देश खतरे में डाल दिया। ये मैं लोगों से, हम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार बनाने से क्या फायदा, कि 5 साल को देश में खतरे में डाल दिया और देश के नाम पे वोट मांग रहे हो, सेना के नाम पे। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी खतरे में नहीं रहा देश। बस ये आपके चैनल के थ्रू संदेश दे रहा हूँ। वो तो कहते हैं कि जब पहले जब अटैक होते थे तो यहाँ से लव लेटर लिखते थे, अब जो है हम गोली का जवाब गोले से दे रहे हैं। नहीं, वो कॉफी पीने जा रहे हैं, खीर खाने जा रहे हैं। अखिलेश जी ने कल कहा तो बिरयानी। अरे अभी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनिंदर सिंह है। ठीक है, मैं यहाँ पर जॉब भी करता हूँ, अपना काम भी करता हूँ। अब एक बात बताइए सर, हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए और 40 जवान तिरंगे में लिपटे हुए, आपने उनके 300 मार दिए, हमने उनका एक का चेहरा नहीं देखा। अब फिर आप सबूत मांग रहे? फिर आप सबूत मांग रहे, आप हमसे सबूत मांग रहे, बताओ। हमारे 30-40 जवान सब लोग देख रहे हैं, सब रो रहे हैं, और आपने उनके 400 बंदे मार दिए, हमने उनकी फोटो भी नहीं देखी, और आप कह रहे हो कि हमने वहाँ स्ट्राइक की है, क्या है ये बताइए? मोदी सरकार एक बात सबूत मांगने वालों में से नहीं, नहीं, एक बात बताइए, हमेशा क्या राष्ट्र धर्म पे ही वोट मांगा जाएगा कि कभी हम ये भी कहेंगे कि हमने ये विकास किया है, हमको ये चीज़ दिखाई है, ये चीज़ किया है हमने, हमको इस पे वोट दो? आपको क्या लगता है कानपुर के क्या मुद्दे होने चाहिए? कानपुर की सबसे बड़ा मुद्दा तो आज की डेट में जॉब है, जॉब है, रोजगार कहाँ है? अगर आप 2 करोड़ लोगों को ये रोजगार देते हैं तो 10 करोड़ आदमी, मतलब एक घर में 5 आदमी तो है ही है, 20-25 करोड़ आदमी कम से कम खाता, खाना तो खाता, कहाँ है रोजगार? आप जॉब पे बात क्यों नहीं करते? आप काम में काम नहीं, आपने अच्छा सबसे बड़ी बात, सबसे मेजर पॉइंट, हमने 2 बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए, क्या? एक हमने GST, एक हमने नोटबंदी। आप खुल के मीडिया के सामने ये कहो कि मैंने GST किया, मैंने नोटबंदी की, मैंने इतने बड़े काम किए, कितना लाभ आपको मिला? आप हमें वोट दें, आप अपने काम पे तो वोट मांगो। तो आपको लगता है कि मोदी ने कोई अच्छा काम नहीं किया? कोई नहीं किया, माइनस जीरो में किया है।
माइनस जीरो माइनस टेन कह दो। आप किसी पार्टी वार्टी से तो नहीं जुड़े हुए लगा? हम तो यही जनता की पार्टी है हम लोग, कोई पार्टी कौन सी पार्टी आप बताओ। कोई पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, मगर ये जानते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ मत बनाएं। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो बेवकूफ बनाने के बात करती है ना, ये बेवकूफ नहीं बना सकती। ये ले मैन को बेवकूफ बनाते रहे, हम लोग नहीं बेवकूफ बनने वाले। कुछ नौजवान है इनसे बात करते हैं। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉबिन सिंह है। रॉबिन सिंह, हाँ बताइए आपको क्या लगता है इस बार चुनाव है कानपुर में क्या माहौल? इस बार चुनाव का माहौल है केवल केवल नरेंद्र मोदी के दम पे पूरे भारतवर्ष में बीजेपी एनडीए के गठबंधन की सरकार बन रही है, और 1,00,000 से ज्यादा वोटों से सत्यदेव पचौरी यहाँ से जीतेंगे। अभी 2014 में भी यही चल रहा था, लोग अपना कैलकुलेशन बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बन रही है, नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, उनसे बहुत लोग नाराज हैं और इनकी बहुत ही ज्यादा हिंदूवादी छवि है। लेकिन आखिरी में नरेंद्र मोदी बने। उसके पहले 2017 में भी यही हुआ कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे उत्तर प्रदेश के, फिर क्या हुआ सारे कैलकुलेशन फेल होकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। आप ये कह रहे हैं कि जो तमाम समीकरण जो सामने आते हैं वो गलत है और उसके बाद में सरकार बीजेपी बना, सारे के सारे धराशायी हो जाएंगे जितने समीकरण बना के रखे गए। आपके जो साथी हैं बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी राय से कुछ इत्तेफाक रखते हैं आप? ये इन्होंने जिस तरह से सवाल, जिस तरीके से भैया एक हाथ में पांचों उंगलियां होती हैं तो सबका साइज एक नहीं होता है, तो इसी प्रकार से सबका मत अपना अलग अलग है। बस आपको क्या लगता है रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार कितना कामयाब रही है? रोजगार के मुद्दे में कई जगह संभावनाएं बढ़ी है, और कई जगह जहाँ रोजगार थे वहाँ पे रोजगार कुछ रोजगार कम हुए और कई जगह रोजगार बढ़े हैं। ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते। कहाँ घटे हैं बताइए? घटे हैं जैसे कि जहाँ जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते थे, तो जो फर्जी कंपनी फेक कंपनियां चल रही थी उनमें से कई सारी कंपनियां हो चुकी हैं बंद, ठीक है। और जो कुछ कंपनियां थी जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन था, जो नंबर एक पे काम कर रहे थे, उनका काम बढ़ा है, क्योंकि जो फर्जी कंपनियां थी जो दो नंबर में कंपनियां चल रही थी। उदाहरण देके बताइएगा, ऐसे तो इससे बोला ऊपर से निकल जाएगा आपको लगता है, वो बताइए। हाँ कहाँ पर है आप? जो जैसे कि कैश पे काम कर रही थी कंपनियां, अभी हम कहीं बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। जैसे कई सारी कंपनियां रही हैं, अभी उसका नाम तो बता नहीं सकते कि नाम याद नहीं है। 2.5 लाख सेल कंपनियां, अभी आप चाहे तो अभी 2 से 2.5 लाख सेल कंपनियां बंद हुई है, वही है कंपनियां, उन्हीं के रोजगार छिने हुए हैं। और रही रोजगार की बात, ये बताइए रेलवे था, रेलवे में लालू गवर्नमेंट ने थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास एम्प्लॉय पे रोक लगा दी थी, क्यों? क्योंकि उनको छटनी करनी थी। किसने ओपन किया आके इन्होंने भर्ती स्टार्ट हुई है ना, ये बताइए। पिछले आपके मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में रेलवे में कितनी भर्ती आई थी, आप रिकॉर्ड लेके आइए। तो आपको लग रहा है कि रेलवे में जो भर्तियां हुई है उसकी वजह से भर्तियां रुकी? भर्तियां जो लोग कह रहे हैं ना कि भर्तियां नहीं हुई, उसकी बात हम बता रहे हैं, भर्तियां कहां नहीं हुई है। रोक लगी रेलवे पे, लालू लगा गया, जिसमें लालू रेल मंत्री थे कि थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास में कम करना है। इस गवर्नमेंट ने हटाई रोक, एम्प्लॉई भरना चालू है। अपने स्टेट गवर्नमेंट में आ जाइए, हर भर्ती भ्रष्टाचार के मामले में जाके कोर्ट में अटक जाती थी जाके। एक रिपोर्ट एनएसएसओ की भी आई, उसमें कहा गया कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर क्या कहेंगे? अब रिपोर्ट्स तो हमें फिलहाल हमारे जान पहचान वाले में ऐसे लोग मुझे नहीं दिखाई दिए कि जो पहले जॉब करते थे आज के डेट में फेल है। वो सरकारी संस्था की रिपोर्ट थी एनएसएसओ, अब उसके लिए हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते तो जॉब्स बढ़ी हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते जॉब बढ़ी है। और रही बात दूसरी चीज़, जब कभी भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब बढ़ी है, आप ये कह रहे हैं नहीं बढ़ी है, आप देख लीजिए, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आप स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट की पिछले 5 साल की कंपैरिजन कर लीजिए आप पिछले 5 साल ने यहाँ पर कितनी जॉब दी है। अभी टीचर्स की कितनी वैकेंसी आई, अभी लेखपाल की कितनी वैकेंसी आई, टीचर्स की 2 वैकेंसी आ चुकी, लेखपाल की वैकेंसी आई। यूपी में लगातार एक ट्रेंड है, भर्ती निकलती है, भर्ती होती है, फिर उसके बाद में कोर्ट में जाती है, लेकिन हो रही है, इनके शासनकाल में हो रही, दो टीचर्स की ज्वाइनिंग हो चुकी है, 2 वैकेंसी। कानपुर के क्या मुद्दे देखते हैं आप चुनाव में? कानपुर में तो रियलिटी बताऊं तो 1947 का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था हुआ ही नहीं है। हर पॉलिटिशियन ने कानपुर को हमेशा निगलेक्ट किया है, जो अंग्रेज करके गए थे उसको भी मेंटेन नहीं कर पाए हम लोग। कानपुर में विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ, लेकिन वो नॉमिनल है। आप अगर डेवलपमेंट की बात करते उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ। किसको जिम्मेदार मानते हैं? दोनों सारी गवर्नमेंट है, सारी गवर्नमेंट जो आज तक आई, मैं किसी एक उसके लिए, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सारी गवर्नमेंट्स ने कानपुर को निगलेक्ट किया है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं मुरली परियार। आपको क्या लग रहा है कानपुर में क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? कानपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है कानपुर का डेवलपमेंट।
कानपुर में जिन जो भी आज तक सांसद रहे हैं, ये तो पिछली बार वाला तो बहुत जो है थका हुआ जो है, एक मिनट थोड़ा पीछे थका हुआ इन्होंने, अच्छा इनको पहले बोल लेने, हाँ संक्षेप में बोल रहे हैं, चार बार सांसद रहे श्री प्रकाश जी, एक बार शहर के मेयर रहे, 10 साल केंद्रीय मंत्री रहे, सीओडी का पुल साला आज तक नहीं बन पाया है, आधा ही बना हुआ चल रहा है, उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन आप जवाब दे तो हम जवाब नहीं देंगे। ठीक है, हाँ बताइए। तो कानपुर में जो भी सांसद रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 1947 के बाद काम नहीं हुआ, कानपुर जो है एशिया का मैनचेस्टर कहलाता था और कानपुर दिल्ली से भी बेहतर था, कानपुर के सराउंडिंग आसपास के लोग, इवन कोलकाता बंगाल उधर के भी तमाम लोग अभी भी बसे हुए हैं, बहुत सारे बंगालीज हैं यहाँ पर जिनको रोजी रोजगार ये शहर देता था, जो रोजी रोजगार जो इंडस्ट्रियाँ लगातार बंद होती रहीं और उन पर काम नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस कानपुर शहर से, बहुत कम लोग कम फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज हैं जो लोगों को रोजगार दे रही हैं, तो ये मेरा मानना है। पिछली बार भी भाजपा से एक कैंडिडेट जीते आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन वो कानपुर में दिखते ही नहीं थे, उन्होंने कानपुर के लिए कुछ भी नहीं किया, और वैसा ही जो है इनके, ये भी इनके बारे में भी पूरा शहर जानता है कि ये किस टाइप के कैंडिडेट हैं जो भाजपा ने वर्तमान में उतारा है पचौरी साहब, तो ये भी जो है बहुत लोगों से मिलते उलते नहीं है, और ये दूसरे टाइप की इनकी छवि है जो भी है, तो वैसे ही जो है थका हुआ कैंडिडेट इन्होंने दोबारा दिया है, तो बहुत निराशा है लोगों में कि भाजपा को एक अगर कोई लाना था तो अच्छा कैंडिडेट लाते तो भाजपा की तरफ रुझान बढ़ता। मेरे हिसाब से ये जो इनका कैंडिडेट हल्का कैंडिडेट है और ये हार का सामना करेगा, और वर्तमान में जो भाजपा के लोग हैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जो 3 राज्यों में चुनाव हुआ, कर्नाटका जो जीती, कर्नाटका में सरकार बनी भाई जिस तरीके से, वो कर्नाटका में और ऐसे 3 राज्य हार गए, भाजपा 3 राज्य हारी, तो उस समय भी ओवर कॉन्फिडेंट थे, और मुझे भी लगता है, मैं तो कानपुर में रहता हूँ, कोई मैं नेता और बहुत बड़ा वो तो हो नहीं कि पूरे देश का मैं जान रहा हूँ क्या कैसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार की तरह भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, मोदी जी का ग्राफ जो है बहुत ऊपर था, वैसा नहीं है, वैसा माहौल नहीं है, फिर नीचे की ओर है, और भाजपा की सीटें भी घटेंगी और परसेंटेज ऑफ वोट भी घटेगा, ये मेरा अनुमान है। ठीक है तो यहाँ पर जो है तमाम लोगों से हमने चर्चा की, लोगों ने यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो भी गिनाए, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर लोगों में जो है काफी चर्चा है, इसी तरह से लगातार हमारी चुनावी यात्रा जो है वो जारी है। आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।